भारत के जाने माने अभिनेता स्वर्गीय ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया था कि एक बार जब वो एयरपोर्ट पर थे तो तभी एक आदमी आकर उन्हें हाथ में फोन पकड़ा कर कहता है कि लो भाई बात करेंगे, और कॉल की दूसरी साइड था इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, जो ऋषि कपूर का बहुत बड़ा फैन था इसलिए उन्हें चाय पर इन्वाइट कर रहा था। हालांकि ये बात तब की है जब दाऊद को इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित नहीं किया गया था, लेकिन ये छोटा सा इंसिडेंट ये बताने के लिए काफी है कि दाऊद इब्राहिम और बॉलीवुड का कितना गहरा नाता रहा। लेकिन बाकी सबकी तुलना में संजय दत्त ने जो नाम जोड़ने की कीमत चुकाई है वो किसी और ने नहीं चुकाई। दोस्तों संजय दत्त के बारे में कहा जाता है कि इनके दाऊद के साथ बहुत गहरा नाता था, क्या ये बात सच है तो जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है 12 मार्च 1993 को, जब मुंबई 12 बम धमाकों से पूरी तरह से दहल चुकी थी। देखते ही देखते ये खबर पूरी दुनिया में छा जाती है और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी प्लानिंग के साथ कैसे कोई इतने ज्यादा बम ब्लास्ट कर सकता है। और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और कुछ नाम निकलकर सामने आते जिनमें सबसे बड़ा नाम था दाऊद इब्राहिम का। इसके बाद लोकल कनेक्शन का पता किया गया जिसमें कई नाम सामने आए, कई को गिरफ्तार किया गया और इसमें एक नाम सामने आया जिससे पूरा बॉलीवुड हिल गया और वो नाम था संजय दत्त। मीडिया रिपोर्ट में संजय दत्त का नाम छाने लगा, लेकिन वो उस समय इंडिया में नहीं थे बल्कि मॉरिशस में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। और जब यह खबर आग की तरफ चारों तरफ फैलने लगी तो संजय दत्त के पिता ने अपने बेटे को फोन कर सारी जानकारी ली और पूछा कि क्या सच में उनका कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और संजय दत्त ने ऐसा कुछ होने से साफ मना कर दिया। तभी संजय दत्त के पिता सुनील दत्त ने उन्हें सलाह दी कि वो भारत आ जाएं, और जैसे ही संजय दत्त भारत आए उन्हें एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद संजय दत्त से बयान लिया गया जिसमें कई खुलासे सामने आए। और उस समय संजय दत्त के ऊपर 2 आरोप लगे जिसमें से पहला आरोप ये था कि वो मुंबई बम ब्लास्ट की प्लानिंग में शामिल थे और दूसरा उन पर अवैध हथियार रखने का था। संजय दत्त ने बताया कि एल्गार फिल्म की शूटिंग के लिए संजय दत्त समेत पूरा ग्रुप फिरोज खान के साथ दुबई शूटिंग के लिए गया था और वहीं पर फिरोज खान ने पहली बार संजय दत्त और दाऊद इब्राहिम की मुलाकात करवाई। संजय दत्त ने आगे बताया कि समीर हिंगोरा और हनीफ खड़वाला ने सबनम मूवी प्रोड्यूस की थी और संजय दत्त भी उस मूवी में थे, इसलिए वो बार बार संजय दत्त से डेट लेने आते थे। और ऐसी बातों में जब उन्हें पता चला कि संजय दत्त को बंदूक और शिकार करने का शौक है तो उन्होंने संजय दत्त को ऑटोमेटिक गन देने की बात कही, जिसे संजय दत्त ने शुरू में तो मना किया, लेकिन हनीफ ने जब बार बार ये बात कही तो संजय दत्त का मन फिसल गया और एक दिन उन्होंने हनीफ से ये बंदूक ले ली। संजय दत्त अच्छी तरह जानते थे कि इस तरह के वेपन्स रखना पूरी तरह से इलीगल है और अगर वह पकड़े गए तो इस पर उन्हें सजा भी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद संजय दत्त ने इन्हें अपने घर पर रखा। अब बात तब तक तो ठीक थी कि जब तक ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। हनीफ और समीर के नाम सामने आने पर पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया और जब इनसे तहकीकात की गई तो संजय दत्त का भी नाम सामने आ गया। संजय दत्त जो कि उस वक्त भारत में नहीं थे इसलिए पुलिस उनके घर इन्वेस्टिगेशन करने गई, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। संजय दत्त को ये पता चल चुका था इसलिए उन्होंने अपने दोस्त को फोन कर सबूत मिटाने के लिए कहा, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को कई अहम सबूत और गवाह मिल चुके थे जो संजय दत्त को जिम्मेदार बता रहे थे। आगे केस हुआ जिसमें संजय दत्त बम ब्लास्ट वाले आरोप से तो रिहा हो गए, लेकिन अवैध हथियार रखने के जुर्म में 5 वर्षों का कारावास कोर्ट द्वारा सुनाया गया। अगर शॉर्टकट में कहा जाए तो संजय दत्त और दाऊद इब्राहिम के बीच संबंध थे, लेकिन हथियार देने का काम दाऊद ने नहीं किया। फिलहाल जो आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है उससे तो यही पता चलता है कि अब आपका इसके बारे में क्या मानना है, क्या वाकई में संजय दत्त और दाऊद इब्राहिम के बीच संबंध है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।